अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ES लेवल केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले जो है ना, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो उसमें ना उसकी हम जो बात है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार एटम क्या होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि यार जो एटम है ना, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एटम जो होता है ना, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ठीक है। हर चीज़ जो भी आप देखेंगे, जो भी आपको नज़र आएगी चीज़, वो एटम से बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी चीज़ और से नहीं बनेगी। अब बात ये आती है कि एटम जो होता है ना, वो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। हम देखें, देर आर मेनी एटम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड एलिमेंट्स जी भी जो है, वो आपको पता है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में भी लिखे हुए और कुछ उसमें नहीं भी लिखे हुए। और जो अपना डिफरेंट एटम्स हैं, दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स, दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स। और जो है, और जो एटम होता है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके प्रोटॉन नंबर से कि यार उसका प्रोटॉन नंबर जो होगा, फिर हम देखते हैं उसका नाम क्या होगा, ठीक है। अब एटम जो है ना, टेक फॉर एग्जांपल, आइल से कि ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसकी जो है ना, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो इसका न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली जो सारी बातें हैं, ये थोड़ा सा ओ लेवल्स का रिकैप है कि ओ लेवल्स में आप ये पढ़ते हैं इस तरह, ठीक है। और अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम्स के जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये मैंने वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चूज़ बना दी, इतने ज़्यादा जो है ना, वो हो नहीं सकते, मतलब ये वैसे ही एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है आपने, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे मूव अराउंड इन रीजन्स ऑफ स्पेस कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी आगे जाके हम देखेंगे ऑर्बिटल होता है, क्वांटम शेल होता है, सब शेल होता है, ठीक है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, दे मूव अराउंड ऑर्बिटल्स। अब ईच शेल, जितना भी एक शेल है ना, ईच शेल इज अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट इट्स ओन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। जितना वो दूर होगा न्यूक्लियस से, उसका एनर्जी लेवल भी उसके मुताबिक ही होना है, ठीक है। अब बात यह आती है कि ये न्यूक्लियस है और ये काफ़ी डेंस होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और बाकी फिर इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, जितने भी हों, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें फिल हो जाती हैं, तब भी जो एटम होता है ना, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। इसके बाद जो है, वो हम बात करते हैं कि एटम में ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, वो आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। प्रोटॉन जो होता है ना, एक और बात जो है वो आप याद रखिएगा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ एटम, ठीक है। जिस वजह से उनके दोनों मैसेज जो है ना, वो बराबर होते हैं, तो एटम जो है ना, वो फिर स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स जो हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन जो एटम है, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन का आपको पता है कि न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। तो जब और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और एटम जो होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज जो है ना, वो इक्वल हो जाता है। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एटम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है ना, वो 1 होता है, और रिलेटिव चार्ज +1 होता है,
ठीक है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास इज 1 एंड इट्स रिलेटिव चार्ज इज 0, एंड इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो 1/1840 होता है। कुछ बुक्स में 1/1836 लिखा हुआ है, कुछ में 1/1843 लिखा हुआ है। 1840 जो है वो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, ठीक है। इसके बारे में ना वो एक टेबल आता है, वो जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल आपको इधर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, ये वाला टेबल। तो ये टेबल जो है ना वो आपने इसको स्टडी, ये आपको याद होना चाहिए, अलबत्ता ये और याद नहीं याद की बात है। अगली बात जो है वो आती है कि यार प्रोटॉन नंबर क्या होता है, ठीक है। प्रोटॉन नंबर जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, तो आप यकीनन कहेंगे कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो नहीं, ये नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नंबर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन नंबर ही होता है। प्रोटॉन दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन नंबर होता है और न्यूक्लियॉन नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, विच रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। और न्यूक्लियॉन नंबर जो है उसको हम मास नंबर भी कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, वो नेगेटिव में नहीं, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होगा। और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन नंबर जो है ना वो हमेशा होल नंबर होगा, वो पॉइंट्स में नहीं होगा, वो डेसिमल्स में नहीं होगा, वो फ्रैक्शंस में नहीं होगा।